हाय, वेलकम टू बोफिश बाय सबीना काजी। आज हम बनाएंगे चीज बर्स पिज्जा। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप सिफ्टेड मैदा। हियर आई हैव ल्यूक वॉर्म वाटर अराउंड 2/3 कप्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 1 टेबलस्पून शुगर। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी को 30 सेकेंड्स गर्म किया है। उसमें मैं यीस्ट डालूंगी एंड शुगर। आई विल मिक्स दिस एंड कीप इट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हो गया है, यस, इट्स बीन प्रूफ्ड अप। अब हम डो प्रिपेयर करेंगे। अब हम मैदे में सॉल्ट डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन द यीस्ट। अब हम एक अच्छा सॉफ्ट डो प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको पानी कम लगता है तो आप वार्म वाटर, बहुत ही स्लाइट वार्म वाटर से इसको गून सकते हैं अंटिल इट इज अ सॉफ्ट डो। यहां पर मैंने एक बहुत सा स्टिकी डो रेडी किया है। अब मैं इसको काउंटर टेबल पर निकाल के एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स के लिए गूंदूंगी। आपको उसको पूरा स्प्रेड आउट करके कलेक्ट करना है। आटा मैंने 7 to 10 मिनट्स के लिए गूंद लिया है। आई हैव नॉट यूज्ड एनी मैदा, ड्राई मैदा। ऑटोमेटिकली आटा कलेक्ट हो गया है। आप अगर अच्छे से इसको नीड करेंगे तो आपको आटे की जरूरत नहीं लगेगी। इफ इट इज स्टिकी यू कैन यूज। अब मैं इस आटे को एक ऑयल ग्रीस्ड बाउल में 1.5 आवर्स के लिए छोड़ दूंगी। बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट मेकिंग पिज्जा डो एट होम यू विल नेवर बाय आउटसाइड पिज्जा डो। विल रेस्ट इट फॉर 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स हो गए हैं। हियर इट इज। अब हम इसको कलेक्ट करेंगे पूरा अच्छे से। अब हम इसमें से 1/3 पोर्शन निकाल के इसका एक रोटी बनाएंगे। अब हम इस 1 पोर्शन का एक मीडियम साइज की रोटी बनाएंगे। यहां पर मैंने एक मीडियम साइज रोटी बना लिया है। अब मैं इसको फोक से इसमें छोटे छोटे होल्स बनाएंगे हम, ताकि इसको हम सेकते टाइम ये रोटी की तरह फूल ना जाए। हम इस रोटी को 1 मिनट के करीब दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसका एक कलर चेंज होने तक हम इसको सेक लेंगे अराउंड 1 मिनट ईच साइड। अब हम हमारी बेकिंग प्लेट लेके इसपे हम अदर 2/3 ऑफ द मैदा इसपे स्प्रेड आउट कर देंगे, जो हमारा बाकी का मैदा है। हम इसको अच्छे से अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यहां पर मैंने पिज्जा के लिए टॉपिंग्स लिया हुआ है। हियर वी हैव ब्लैक ऑलिव्स, डाइस्ड कैप्सिकम, चिकन, यहां पर आप पनीर यूज कर सकते हैं। हियर आई हैव पिज्जा सॉस, डाइस्ड अनियन, मेरे पास यहां पर बॉइल्ड कॉर्न्स है। मगर टॉपिंग्स इज एब्सोल्युटली योर प्रेफरेंस, आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं। हियर आई हैव डाइस्ड चेडर चीज, और चीज बर्स बनाने के लिए यहाँ पर आई हैव चीज स्लाइसेस, वो मैं बताऊंगी आपको। एंड यहाँ पर स्पाइसेस में मेरे पास है, हर्ब्स में मेरे पास है अनियन फ्लेक्स, पिज्जा मिक्स, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर टेस्ट। यहाँ पर 10 मिनट्स हो गया है, दिस इज सेट नाउ। अब मैं इसके ऊपर ये थिकनेस छोड़ के आई विल ले आउट माई चीज स्लाइसेस। और अब इसके ऊपर जो रोटी हमने ये बनाई थी, इसको सेक के जो हमने रखा था, हम इसके ऊपर ले आउट करके ये कॉर्नर्स को अंदर फोल्ड करके स्टिक करेंगे।
इट्स नाइसली पैक्ड। अब हम इसके ऊपर पास्ता का, पिज्जा एंड पास्ता सॉस लगाएंगे। एक अच्छी लेयरिंग लगाइए टॉप पे। पिज्जा सॉस लगाने के बाद, मैंने इसको अच्छे से लगाया है, इसके बाद हम ये चीज, ग्रेटेड चीज और डाइस चीज जो भी आपके पास है, आप इसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर दीजिए। एज इट इज चीज बर्स्ट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ चीज। अब इसके ऊपर हम अपनी वेजीज ले आउट कर देंगे, वॉट एवर योर प्रेफरेंस। होममेड पिज्जा का यही फायदा है, टॉपिंग्स इज जस्ट योर विश। डबल चीज, डबल चिकन, डबल पनीर, वॉट एवर इट इज योर विश। टॉपिंग्स डालने के बाद हम इसके ऊपर चीज डाल देंगे थोड़ा सा और, अच्छे से स्प्रेड आउट कर देंगे एंड विल पुट द सीजनिंग्स। अब मैं इसको प्री हीटेड ओवन पे 180 डिग्रीज पे 20 टू 25 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। अगर आप इसको कुकर में बेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुकर को भी प्री हीट करके इसको 25 टू 30 मिनट्स के लिए उसमें बेक कर सकते हैं। 25 मिनट्स हो गए हैं, एज यू कैन सी ये बहुत अच्छे से पक गया है, इट्स पफ्ड अप वेरी नाइस। अब मैं इसको एक अलग डिश में ट्रांसफर करके इसको कट करूंगी। चीज इज फिल्ड इन साइड, ये बहुत ही इजी बनता है घर में, यू वॉन्ट इवन बिलीव इट। इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको चीज बर्स्ट पिज्जा कैसा लगा। थैंक यू।